ओके दोस्तों, तो आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि टेबल में ये जो इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब में टेबल्स का जो ग्रुप है, इसमें टेबल्स के इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे। और ये एमएस वर्ड का पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 4 में टेबल के बारे में बताए थे कि ये कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है एमएस वर्ड में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल है ना, ये टेबल कहाँ मिलेगा हमें? इंसर्ट टैब के अंदर। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आता है टेबल, और टेबल में यहाँ पर दिया है इंसर्ट टेबल। इसका काम क्या कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक इंसर्ट टेबल का एक नया डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें आपको करना क्या है, टेबल साइज। अब टेबल साइज में क्या, नंबर ऑफ कॉलम, कि आपको कितना कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करना है आपको पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ रो, मतलब आपको कितना रो चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमको 8 कॉलम चाहिए, 8 कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ रो में हमको कितना रो चाहिए, रो इसको बोलते हैं, इधर से रो होता है, कॉलम होता है ऊपर से नीचे। तो अब कॉलम में टोटल हमको 8 तो कॉलम चाहिए और रो में हमको चाहिए टोटल 20 तो। तो अब क्या करेंगे, 20 टाइप करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जाके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम टोटल, अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 8 कॉलम आ गया है। काउंट कर सकते हैं, 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, यानी 8 कॉलम आया है। और रो की बात करें तो रो टोटल 20, यहाँ से रो होता है ऐसे 1 2 3, ऐसे अगर काउंट करोगे तो टोटल इसमें आपका 20 आ गया, यानी 20 तो रो आ गया है और 8 तो कॉलम आया। अगर आपको पहले से ये पता है कि आपको कितना एंट्री करना है, कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जाके इंसर्ट में जा कर के टेबल से आपको इंसर्ट टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, या फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लेते हैं। तो इंसर्ट में जैसे आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए, आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है और ओके कर देना है, आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल में जाएंगे और यहाँ से आप जितना रो चाहिए और उसके बाद कितना कॉलम चाहिए, ऐसा कॉलम, ये 2 कॉलम हुआ, 3 4, ऐसा जितना भी आपको कॉलम चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जितना भी रो चाहिए, रो इसको बोलेंगे, ये वाला 1 रो हुआ, ये 2 दूसरा रो हुआ, ये 3रा, 4था, इस टाइप से ये रो है और यहाँ से ऊपर से नीचे ये कॉलम होता है, ऐसे कॉलम होता है और ये रो होता है। तो अब क्या, यहाँ पर आता है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल में क्या कर सकते हैं कि आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल में, तो यहाँ पर एक पेंसिल टाइप का आ गया है, तो आपको यहाँ से ऐसे क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है जहाँ तक आपको चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ दिए, अब बन गया। अब इसके बाद क्या कि हमको यहाँ से और 2-3 लाइन लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे क्लिक करके खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉ हो रहा है ऐसा। तो आपको जितना भी चाहिए आप इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये तो हुआ इस टाइप से आप रो की। अब कॉलम चाहिए आपको, लगभग 5 कॉलम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 4 और ये 5। तो ये 4 तो बन गया। अब इसके बाद क्या कि कोई भी सेल, यानी कोई भी बॉक्स आपका बराबर नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, डिस्टेंस कम ज़्यादा है, ये तभी होगा जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, और नहीं तो वहाँ पर उसके हिसाब से सही से आ जाता है। यहाँ पर सही नहीं है, ये वाला बड़ा लग रहा है, ये छोटा है, इसका हाइट थोड़ा कम है तो इसका ज़्यादा है, तो इस टाइप से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप इस टाइप से बना भी लिए हैं ड्रॉ टेबल से, तो आपको यहाँ पर ना अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ ड्रॉ टेबल में जाना है, इसको दोबारा क्लिक कर देना है तो हट जाएगा। अब इसको आपसे, आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, इसे इस टाइप से आपको मेंटेन खुद करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा और आपका एंट्री सही परफेक्ट नहीं होगा। तो आप ड्रॉ टेबल कम डेटा के लिए आप कर सकते हैं, जब आपका कम सम डाटा है तो आप इसका यूज़
कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ड्रॉ बॉर्डर का एक ग्रुप आ गया है, जिसमें से यहाँ पर दिया गया है लाइन स्टाइल, लाइन का स्टाइल आपको कैसे चाहिए। अगर आप ड्रॉ टेबल किए और उसके बाद यहाँ से आपको लाइन का साइज, लाइन का स्टाइल कैसा चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला एक लाइन, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो लाइन है इसका स्टाइल चेंज हो गया। इसमें क्लिक किए तो इसमें भी चेंज हो गया। इस टाइप से जैसे भी हम बनाएंगे तो ये उस लाइन में आ जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं, नया बना रहे हैं तो उसमें ये क्या हो रहा है, उसका लाइन का जो स्टाइल है ये चेंज हो गया है। तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसके नीचे में दिया है इसका लाइन विड्थ, मतलब इसका जो लाइन का है इसका साइज आप बढ़ा भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। जैसे कि इसका साइज इतना दिख रहा है तो अब इसमें हम बढ़ाते हैं, 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भी हम लाइन लेने वाले हैं इसका साइज इससे ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा या तो कम भी कर सकते हैं इस लाइन का साइज। अब देखिए आप दोबारा हम क्या करते हैं यहाँ से लिए, अब देखिए इसका साइज कम ज़्यादा है, तो इस टाइप से आप इसका जो साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद पेन कलर आता है, तो पेन कलर में क्या कर सकते हैं कि इसमें आप पेन का जो कलर है ना, ये जो कलर दिख रहा है ड्रॉ करने के लिए जो पेन का यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करने के लिए आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ड्रॉ टेबल है तो ड्रॉ टेबल में क्लिक किया, हमको चाहिए रेड कलर का, तो हम क्या करेंगे पेन कलर में जाएंगे, यहाँ से रेड कर देंगे और उसके बाद जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो रेड कलर में आ जाएगा इस टाइप से। तो आपको यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ करते करने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे कि अभी हमको इसका कलर चेंज करना है तो भी, अब इसमें तो ब्लैक कलर में रेड कलर करना है तो अब इसका जो स्टाइल है हम यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि नॉर्मल है, तो क्लिक किए और इसमें भी क्लिक किए और इसका पेन कलर हम कर देते हैं यहाँ से रेड और इसमें क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका जो पेन का कलर रेड कर दिया, इस वजह से जो भी हम क्लिक कर रहे हैं ये रेड हो जा रहा है। तो इस टाइप से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ऐसे अगर करेंगे तो, आपको पहले ही करना पड़ेगा इसका कलर का। और इरेजर, यहाँ पर इरेजर भी है, इरेजर में क्या होगा कि अगर आपको इरेज करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इरेजर का। अब इसमें जैसे कि हम रेड कलर का जो वहाँ पर बनाए हैं इसको इरेज करना है तो इसमें क्लिक करेंगे एक बार और उसके बाद यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको इरेज करना है और इरेज कर देंगे, वो हट जाएगा। इसको भी हम सेलेक्ट किए और ये हट गया। तो इस टाइप से इसको भी हमको इरेज करना है, सबको हम सेलेक्ट किए और इसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इरेज हो रहा है, ये हट जा रहा है। तो इस टाइप से हम हटा भी सकते हैं, इरेज का यूज़ करना पड़ेगा ऐसा। तो ये इरेज का टूल मिलेगा वहाँ पर।